हमारी मोहब्बत कबूल करके हमारा हाथ थाम लीजिए, मौत भी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। एक कनीज को तो शहजादों के कमरों में भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होती, आपने तो हमें अपने अफसाने में शामिल कर लिया। हम नहीं जानते कि जो हो रहा है वो सच है या ख्वाब, नहीं जानते कि जो मोहब्बत आपने हमें बख्शी है उसके लायक भी है या नहीं, नहीं जानते कि आज जो दास्तान शुरू हुई है उसका अंजाम क्या होगा। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब से हमें मोहब्बत के मायने भी नहीं पता थे, तब से हमने आपसे मोहब्बत की है। शहजादे सलीम, हम कनीज अनारकली आपकी मोहब्बत और आपके मोहब्बत के हर रंग को कबूल करते हैं। आपकी हर जिद, आपका हर जुनून, आपका गुस्सा, आपका दर्द, यहां तक कि मौत भी, जिंदगी में आपका साथ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन आपकी दास्तान में आपका साथ जरूर देंगे। हम आपके बिना जीना नहीं चाहते शहजादे, हम आपसे तारीख गवाही देती है दिल से दिल के अफसाने की, उल्फत ना रोक सकी दुनिया कभी शम्मा और परवाने की, करके बगावत सारे जहां से रस्म और रिवायत तोड़ चली। अल्लाह, मेरे सलीम को कुछ भी होना चाहिए, जाओ ढूंढो उन्हें। वहां देखो अनार, 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 अनार आके खोलो, अनार, 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 अनार आके खोलिए, अनार, अनार हमें माफ कर दीजिए, अनार हमने आपको सिर्फ गम और दर्द दिया, अनार, 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 अनार आके खोलिए, अनार। Oh,
प्रेम, बच्चा। अब ठीक है ना? रुको, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। नदी के उस पार देखो। शहजादे, जिस मोहब्बत की दास्तान में दर्द ना हो, समझ लीजिए कि वो दास्तान कभी मुकम्मल ही नहीं हुई। नहीं, हमारी मोहब्बत को उसके हिस्से का दर्द मिल चुका है। अब हमारी मोहब्बत अपने हिस्से की खुशियां जिएगी। हम आपकी हर आरजू, हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम सबको बता देंगे कि आप हमारी होने वाली बेगम हैं और हिंदुस्तान की होने वाली मल्लिका। तुम एक कनीज होकर बहुत बड़ा ख्वाब देख रही हो। अब ये ख्वाब भी टूटेगा, नींद भी टूटेगी और तुम खुद भी टूटोगे अनारकली। हीरानूर, अबुल मियां को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। जी बड़ी बेगम साहब। हिंदुस्तान, सलीम को उसकी होने वाली मल्लिका मिल गई। हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। आप जाने सलीम हैं, आपका हम पर हक है और जिन पर हक होता है उनसे गुजारिश नहीं करते, हुक्म दिया जाता है। क्या हुक्म? लेकिन शहजादों को हुक्म देना आता है, मानना नहीं। शहजादों को हुक्म मानने नहीं आते होंगे, लेकिन एक आशिक को अपने आशिक के नाज उठाने आते हैं। तो कहिए, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। सोच लीजिए, ये कनीज कुछ भी मांग सकती है। आप मांग के तो देखिए, आसमान के सारे सितारे आपके दामन में जड़ देंगे। इस कनीज की आसमान से कोई दुश्मनी नहीं है। हम आपसे एक वादा चाहते हैं। आप हमारी मोहब्बत दुनिया के सामने जाहिर नहीं करेंगे, कुछ वक्त तक इसे राज ही रखेंगे। आपसे किसने कह दिया कि हमारी मोहब्बत एक राज है? यहां मौजूद ये चांद, ये सितारे, ये जुगनू, ये फिजा, हर चीज हमारी मोहब्बत की गवाह है। और रही बात लोगों की, तो हम सबसे कह देना चाहते हैं कि आप हमारी होने वाली मल। संगीत रूह को सुकून देता है,
या अल्लाह, वो तो मरने के बाद मिलता है ना आपा, और आप तो अभी जिंदा हैं। मेरा मतलब ये है कि आप संगीत जवान रहने के लिए सीखती हैं ना। आदाब बेगम, खानम आई फिरदौस को लाई। कल रात से कहाँ थी फिरदौस? ऐसा क्या हो गया कि हमें खानम को भेजकर आपको बुलवाना पड़ा? आप खुद से क्यों नहीं आई? फिरदौस के मुताबिक शहजादे सलीम को मुई अन्नार की कली से इश्क हो गया है, और फिरदौस का मानना है कि कल रात जो वारदात हुई वो भी अन्नार की कली की वजह से ही हुई। क्या ये सच है फिरदौस? हमने बहुत कोशिश करी मल्लिका बेगम, पर हुस्न का जादू सिर्फ दो लोगों पर नहीं चलता, पहला पीर और दूसरा आशिक। शहजादे को इश्क हो गया है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो गुनाह किया है उसकी मुआफी बेगम के दरबार में मिलेगी? क्या खानम सच कह रही है फिरदौस? जी मल्लिका बेगम, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर दो मोहब्बत करने वालों के बीच में नहीं आ सकते। आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। खानम जी, ठीक ही तो कह रही है फिरदौस, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें इसे जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। शुक्रिया मल्लिका बेगम। इसके यहाँ होने का नामो निशान मिटा दीजिए। सबको यही लगना चाहिए कि यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, और आप पता लगाकर बताइए कि सलीम और अनारकली की इस दास्तान की सच्चाई क्या है, वरना आपका भी यही हाल होगा। शहजादे, खुदा के लिए ये बात दोबारा अपनी जुबान पर मत लाइएगा। वादा कीजिए हमें, वादा कीजिए कि आप ये इश्क छुपा कर रखेंगे। छुपाए गुनाह जाते हैं अनारकली, इबादत नहीं। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मोहब्बत और इबादत में कोई फर्क नहीं। लेकिन कनीज और शहजादे में होता है। इसलिए आपसे दरखास्त है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए इस बात को राज रखिए। आपको हमारी कसम, ठीक, अगर आप यही चाहती हैं तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे, लेकिन फिर आपको हमारी हर बात माननी होगी।
कि इस निशाने को हमेशा संभाल कर रखेंगे। आदाब अर्ज़ है बड़ी बेगम साहिबा, आपने हमें याद फरमाया। आप जलाल के सबसे बड़े वफादार हैं अबुल मियां। महल की हर धड़कन, हर आहट की खबर रखते हैं। शहजादों को अय्याशी की इजाजत होती है, ना कि अनार कली जैसी कनीजों से इश्क की, क्योंकि इश्क रवायत के खिलाफ चलता है। आज हमने इस महल में इश्क की एक चिंगारी देखी है। उसे आग बनने से पहले बुझाया नहीं गया तो इस आग में बहुत कुछ जल जाएगा अबुल मियां, बहुत कुछ। इसीलिए हमने आपको यहां बुलाया है। बड़ी बेगम साहिबा, अगर अनारकली आपकी परेशानी की वजह है तो हुक्म कीजिए। आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। नहीं अबुल मियां, नहीं। अभी अनारकली एक मामूली कनीज है। हमने अगर उसकी जान ले ली तो मामूली नहीं रहेगी। अनारकली जिंदा रही तो भुला दी जाएगी, मर गई तो एक अफसाना बन जाएगी और हम उसे अफसाना बनने नहीं देंगे। सलीम ये गुलाब है और ये कांटा अनारकली। गुलाब को पास रखना है तो कांटे को बर्दाश्त करना होगा। हमें सलीम को दूर नहीं भेजना, पास लाना है। बड़ी बेगम साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खबर बादशाह सलामत तक पहुंचा दी जाए। नहीं, जलाल पहले ही सियासत की उलझनों में परेशान है, हम और उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। हमारे अगले हुक्म तक ये बात आपके और हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। जी बड़ी बेगम साहिबा, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? सलीम पर नजर रखिए। इस लड़की को सलीम से कोई दूर रख सकता है तो सलीम खुद। गुलाब और कांटे में दूरियां बढ़ जाए तो कांटा टूटने पर गुलाब को तकलीफ नहीं होती।